मिसेस निगम, चाय के साथ नमकीन और मीठे बिस्किट तो चलेंगे। अरे नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अरे तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, क्या बोल रही हैं आप। पुणे से मंगवाए मैंने ये बिस्किट। इसको देखिए, पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है, कुछ और काम ही नहीं है इसको। बच्चा है ना अभी। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा मैं पूछना चाहती थी कि आपके घर में जो रिलेटिव्स आए थे तो कहाँ पे ठहराया आपने उन लोगों को? आपको तो पता है मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसके लिए मैंने कुछ दिन के लिए उनको पड़ोस के यहाँ पे छोड़ दिया। ओहो मिस्टर वीडियो गेम, टाइम नहीं है फुटबॉल खेलने का। पापा एक मिनट नहीं है, राइट नाउ गेट अप। पापा गेम ओवर होने वाला है। गेट अप, आई एम वेटिंग। आप ही ने तो सिखाया मुझे चाय बनाना। मिसेस निगम, कैसी हैं आप? ओह मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? वेरी वेल। आपके हस्बैंड कैसे हैं? जी वो भी ठीक है। आजकल यहीं पे है क्या? हाँ अभी तो इंडिया में ही है, लेकिन बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं। उनकी बहुत फॉरेन ट्रिप्स लगती है ना? जी हाँ। हरी अप। मिसेस निगम, आप बोल रही थी कि आपके हस्बैंड आपके घर में वेट कर रहे हैं आपका। मिसेस निगम, आप बोल रही थी कि आपके हस्बैंड आपके घर में वेट कर रहे हैं। जी हाँ वेट तो कर रहे हैं। बाय। अरे मिसेस निगम, टेक इट इजी मिसेस निगम, मैं छोड़ता हूँ आपको, आइए। बाय। मिसेस निगम का कुछ नहीं हो सकता। बाय बोल दिया। बोल दिया। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? ये शॉर्ट्स एंड ऑल दैट, सभी तुम्हें घूरते रहते हैं। और मिसेस निगम भी लड़खड़ा गई। भाई 16 साल के बच्चे का बाप हूँ मैं, हैं? 16 साल का बच्चे का बाप अगर 26 इयर्स का डूड लगे ना तो डरना पड़ता है। यू प्लीज गो चेंज योर क्लोथ्स। सूट पहन के आऊं? हाँ। पापा। हाँ। पता मैं 16 साल का हो गया हूँ? हमें बता रहा है। पापा अब चलो ना। चलिए। I will see you. चलिए। ओके मामा। Always late. Bye. Bye. See you. Come on. Let's go. बॉल पीस। हाय, क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? शो, आप इनकी टीम में आ जाओ। नहीं नहीं पापा, आपकी टीम में। चलो मेरे साथ खेलना दो फुटबॉल। घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना मामा। Excuse me? आप बच्ची के साथ कैसे बिहेव कर रही हैं? मिस्टर ये मेरी बेटी है, आप अपना काम कीजिए, अंडरस्टैंड? चलो मामा। बोला था कि नहीं आना, चलो। जब मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, बोला था ना लड़कों से दूर रहने को। दिल्ली में तेरे साथ जो भी हुआ है उसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो क्या खुली हवा में सांस भी नहीं लूं? दो दिन से पड़े पड़े यहाँ बोर हो गई हूँ। बोर होने के चक्कर में बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली से लखनऊ आ गए। इतनी मुश्किल से ट्रांसफर मिला है और फिर से वही सब कुछ। मामा प्लीज, बार बार वही बात। अगर आप उन सबके लिए मुझे ही गलत मानती हैं तो मर जाने देती मुझे वहां पर, क्यों लाई मुझे यहाँ पर? सोनी मैं तो बस तुम्हें संभल के रहने के लिए कह रही हूँ, ये सब बातें तुम्हें और कौन बताएगा? कौन है तुम्हारा मेरे अलावा? रो मत बेटा। अरे सोनी, माँ बेटे के बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी आपको? कोई अपने पेट को भी इस तरह नहीं खींचता जिससे अपनी बच्ची को खींच रही थी वो। उसे देखा नहीं क्या? बस बोल पड़ा बीच में। और सुन भी लिया ना तुमने, नए लोग हैं वो यहाँ पर, बिना सोचे समझे उनके साथ तू तू मैं करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और उस लड़की को अपने साथ तुम्हें खिलवाना ही नहीं चाहिए था। उस बच्ची ने खुद अब से रिक्वेस्ट की थी। बच्ची नहीं है वो, आज उसकी माँ ने तुम्हें उल्टा जवाब दिया है।
कल को कोई गलत आरोप डाल के गई तो? तुम भी ना, इस बात को कहां से कहां ले गई? फिकर करती हूं मैं तुम दोनों की, शौक नहीं है मुझे बेवजह बोलने की। और अंकुश, तुम उस लड़की से दूर रहोगे, समझे? मम्मा, उसकी मम्मी खड़ूस है लेकिन वो लड़की तो अच्छी है। जी शट अप, आर्ग्यू मत करो मेरे साथ और अंदर जाओ, तुम कल से उस लड़की से दूर रहोगे बस। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। क्रिमिनल नहीं है वो, लेकिन इतना तो जान गई हूँ कि उसकी मदर कितनी नैरो माइंडेड है और बेवजह उससे बातचीत करके क्यों आफत मोल ले। प्लीज प्लीज उससे दूर रहो और कॉम्प्लिकेट मत करो इश्यूज को। प्लीज अंडरस्टैंड एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। इतनी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल एक्चुअली मेरी स्कूल की बस मिस हो गई है, तो आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? हाँ, कम कम सिट। तुम गर्ल्स स्कूल की हो ना? ये यूनिफॉर्म वहीं की है। हाँ एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी मम्मी थोड़ी पुरानी ख्यालात की है इसलिए मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। और कल वो इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि मैं आप दोनों के साथ खेल रही थी। पेरेंट्स जैसे भी पुराने ख्याल आपके, लेकिन हमारी परवाह जरूर करते हैं। डोंट वरी, ऐसे बता दूंगा उनको। नहीं नहीं प्लीज, अगर मम्मा ने आपको कुछ बोल दिया तो मुझे बहुत एम्बेरस फील होगा। और तुम्हारे पापा? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब मम्मा पापा अलग हो गए थे और तब से मम्मा को लगता है कि हर आदमी बुरा होता है। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा तुम्हारा स्कूल आ गया ना, यही है तुम्हारा स्कूल ना? थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक केयर। अच्छा अपनी मम्मी को मत बोलना किसी हमने लिफ्ट दी थी, वरना फालतू में उनके लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अंकुश कहाँ है? वो घर पे होगा। वो फुटबॉल खेलने आ रहा है ना? हाँ हम दोनों भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में बस पहुंचते हैं। ओके, मैं भी आती हूँ। ओके बाय। हाय अंकुश, फुटबॉल टाइम, रेडी हो जाओ। आया पापा? हाँ। बड़ी जल्दी है आज फुटबॉल खेलने की। टॉटी के में क्या पूछ रही हो? तुमने आज सुबह सोनी को लिफ्ट दी थी। कौन सोनी? वही जिसकी मम्मी ने तुम्हें। उसका नाम सोनी है? हाँ दी थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने मुझे खुद बताया।
और उसे ये भी पता है कि मैंने तुम दोनों को उससे बात करने से मना किया है। आंटी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपने अंकल और अंकुश को मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। आई नो आंटी, आप नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी, उनकी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाता। मेरे पापा मुझसे दूर हो गए, वो अपनी जॉब में बिजी रहती हैं और मैं अकेली पोर हो जाती। डोंट बी लोना। देखो, जब भी तुम अकेलापन महसूस करो तो मेरे घर आ सकती हो। ओके, थैंक यू। हमें तो उससे मिलने के लिए मना करती हो और खुद ने उसे घर पे आने का ओपन इनविटेशन दे दिया। हाँ, वो रो रही थी इसलिए मैंने उसको घर बुला लिया, पर ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम भी ना कीर्ति, पहले उसके आंसू देख कर पिघल गई और फिर सोचने लगी कि उसके आंसू जुड़े तो नहीं थे। अर्जुन, तुम हर बार पूरी बात सुने बगैर क्यों रिएक्ट करते हो यार? हर बार, पता है जब तुम पार्किंग से घर आ रहे थे तो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए इस लड़की ने जानबूझकर अपने रिस्ट वॉच से तुम पर लाइट चमकाई, मैंने देखा। वो कीर्ति, वो बच्ची है, शी इज जस्ट अ चाइल्ड, वो हमारे साथ खेलना चाहती है, दैट्स ऑल। उसकी हरकतें बच्चों जैसी नहीं है, वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा आगे है, बच्ची नहीं है वो। अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्लीज अर्जुन, दिस इज सीरियस। सोनी, बोर हो के सो गई बेटा? आज पता है मैं ऑफिस से जल्दी क्यों आई हूँ? इसलिए कि तुम्हें शॉपिंग ले जा सकूं, उसके बाद हम लोग मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर भी आज साथ में बाहर करेंगे। चलो जल्दी से उठ के रेडी हो जाओ। हाँ मम्मा, आप पहले कॉफी बना दोगे प्लीज? ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ कॉफी। हाँ, सोना मत, रेडी हो जा। आज मैं जीतूंगा पापा, देखते हैं कौन जीतता है। हाय, मैं कमिंग। हाँ आ जाओ। हाय सोनी। हाय। तुम फुटबॉल खेलने नहीं आती आजकल? एक्चुअली कुछ दिनों से ना मामा ऑफिस से जल्दी आ रही है इसलिए। आज सैटरडे है ना, तुम्हारी मामा तो घर पर होगी। हाँ, एक्चुअली वो कुछ काम से दिल्ली गई है। देखो, तुम्हें अपनी मम्मा से छुपकर कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रीति, हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ बनी नहीं तो पूछो। कम ऑन।
मैं आप दोनों की एक फोटो ले सकती हूँ? एक्चुअली मुझे फ्रेंड्स के मेमोरी कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, व्हाई नॉट? श्योर। थैंक यू। वीडियो गेम खेले? अब एक्चुअली मुझे वीडियो गेम खेलना नहीं आता, बट आप सिखाएंगे तो आई कैन ट्राई। श्योर, मैं सिखाता हूँ। आओ, ये लो रिमोट पकड़ो। अर्जुन। हाँ? अंदर आओ। हाँ, एक मिनट। तुम सिखाओ। हाँ, सोनी, मैं गेम खेल दूँ? मैं सिखाऊँ? ये राइट, ये लेफ्ट, ये अप एंड ये डाउन। तुम तो हार रही हो। हाँ, मेरे भी हाफ में खेलकर आप अंकुश को हरा दो, मैं आपका गेम देखकर सीखूँ। हाँ। Yes! Wow! हम जीत गए। Yes. अर्जुन? Yeah? देखिए मैडम, आपने काउंसलिंग को मजाक समझ रखा है। जिसकी काउंसलिंग आप उसी को नहीं लाई। एक्चुअली मैं सोनी को दिल्ली लेकर आना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत डर जाती है यहाँ पे आकर। जो क्राइम उसने किया ही नहीं है, उसकी सजा उसे मिली है। जुवेनाइल कोर्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि सोनी ने मिस्टर शर्मा को जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने एक 16 साल की बच्ची का मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था। पता है मुझे सब कुछ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब वो ऑलरेडी 6 महीने की सजा भुगत चुकी है, फिर बार बार काउंसलिंग के लिए? उसके बालिग होने तक काउंसलिंग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और अगले शनिवार उसे साथ में लाना। थैंक यू। वो तुमसे चिपक रही थी और ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? बच्ची नहीं है वो, 17 साल की लड़की है वो। बच्ची कॉल्स मी अंकल। उसने शायद ऐसे पल अपने पिता के साथ नहीं गुजारे होंगे, शायद वो उनको मिस करती होगी। Try and understand her feelings. मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो तुम नहीं समझ रहे हो। वो पता नहीं किस नजर से देख रही है तुम्हें। Just stay away. Too much, Kirti, too much. अगर उसे किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स होंगी तो वो अंकुश के लिए होंगी, अंकुश के पिता के लिए नहीं। तुम प्लीज उसके पापा की कमी दूर करना छोड़ दो। पता नहीं वो किस तरह से लेगी उसे। Just stay away from her. Can you do that? सत्रह साल की उम्र यानी किशोरावस्था, बचपन पीछे छूट गया है, जवान अभी हुए नहीं। इसीलिए ऐसे में बड़े आपसे बहुत समझदारी या मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि आप गलती और अपराध के बीच का फर्क समझने लगे। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो बड़े उसे नादानी समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई यह सोच ले कि जो कुछ उसे अच्छा लगता है वही मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए, और अगर ना मिले तो फिर वो किसी भी हद तक चला जाए, यहां तक कि किसी की जान भी ले ले, तो ये गलती नहीं, ये अपराध और आपराधिक मानसिकता का संकेत है। और अगर ऐसी मानसिकता एक 17 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की की हो तो उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए
बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अंदर आ सकती हूँ? मेरा यहाँ आना तुमको अच्छा नहीं लगता ना? कुछ काम था? हाँ, कुछ दिखाना है तुमको। अच्छा, मेरी और तुम्हारी हस्बैंड की नजदीकियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? इसलिए तुम्हें जलाने के लिए मैंने फोटोशॉप से नाइस वर्क ना? ये क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? What? It's not बकवास। I'm warning you। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अर्जुन को छोड़ दो, क्योंकि उनकी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब मैं लेने वाली हूँ। ये लो तुम्हारा फोटोग्राफ और निकलो यहाँ से, और आइंदा कभी इधर नजर मत आना। निकलो। देखते हैं कुछ दिन बाद यहां कौन नजर नहीं आता, तुम या मैं। निकल यहां से। मैंने कहा निकल यहां से, निकलो मेरे घर से। फिर लिफ्ट बंद है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हें हुआ क्या? ये मैं चौकी से लगी तुम्हें ये वाली? कुछ नहीं, वो मेरा सर पड़ गया। चलो मैं डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। मैं कुछ नहीं होगा, डोंट वरी डोंट वरी। इधर बैठे यहाँ पर। डॉक्टर को फोन करता हूँ। पानी? हाँ एक सेकंड रुको। तो फोन नहीं उठा रहे, सीधा उनके पास चलते हैं। तुम्हें पानी चाहिए ना? ये लो पानी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम चिंता मत करो, हाँ थोड़ा सा बस पेन सहन कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? दुख रहा है। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा अब बताओ प्लीज, ये सब कैसे हुआ? रहने दो, आपको बुरा लगेगा। बुरा? ऐसे क्यों बोल रही हो? एक्चुअली मुझे आपकी वाइफ ने धक्का दिया था। कीर्ति ने? हाँ। The number you are trying to call is currently switched off.
मैं आपके घर सिर्फ ये पूछने गई थी कि आप और अंकुश कैसे हैं। वो भड़कने लगी, मुझे आपसे दूर रहने को कहा, दिस एंड दैट, और घर के बाहर निकालने लगे और अनबैलेंस होके मैं दीवार से टकरा गई। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे पता था आप बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बताया। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम पहले ये बताओ, क्या तुमने सोने को धक्के मार के बाहर निकाला है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? उस बच्ची का सर फट गया है। बच्ची नहीं है वो, और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तो तुम कर रही हो, सही कर रही हो? Are you jealous of her? What? I am not jealous. मुझे उस पे गुस्सा आ गया था। अगर तुम उसकी हरकत के बारे में सुनते तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाता। I'm warning you. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अर्जुन को छोड़ो, क्योंकि उनकी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब मैं लेने वाली। क्यों मेरे घर से? और मैंने उसे इतनी जोर से धक्का नहीं दिया कि उसका सर फट जाए, वो जरूर कोई ड्रामा कर रही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उसने जानबूझकर अपना सर फोड़ा है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, चलो उसके घर, उसके सामने बात करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम शांति से बात करो, तुम्हें हो क्या गया आजकल? अरे शांति तो उसने भंग कर दी हमारी। तुमसे बात करना ही फिजूल है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। देखो देखो सुनो मेरी बात, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करना, ठीक है? तमाशा तो हो चुका है अर्जुन। वो कौन है? बुलाओ तुम्हारी उस बच्ची को। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या संस्कार दिया अपने अपनी बेटी को? तुम्हारी बेटी मेरे घर आकर मेरे पति के साथ अपना फोटो मुझे दिखाती है और ये कहती है कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूं और वो बनेगी अच्छी बीवी, और जानबूझकर अपना सर फोड़कर मेरे पति को भड़का रही है। क्या बकवास कर रही हो? बेवजह मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम घर पर रहो तब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती है। संभाल के रखो इसे, घर पे बंद करके रखो इसे, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? देखिए देखिए शांत हो जाइए, हम आराम से अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। अरे क्या आराम से बैठ कर बात कर लेंगे आप? बैठाइए अपनी बीवी को, समझाइए इसको जो मेरे अल्लाह ने चली आई है। खबरदार तो आज के बाद आई निकल। हो गया, शांति मिल गई, हो गया तमाशा, अब चले। नहीं सोच रहे तू फिर से भाई सब शुरू कर दिया? क्या देख रही है? और जो भी कह रही थी सच कह रही थी ना? पहले ही एक के चक्कर में तू जेल जा चुकी है, दूसरे के चक्कर में फिर से जेल जाना चाहती है? ऐसे नहीं सुधरेगी तू, तुझे गर्ल्स हॉस्टल में भेजोगी तभी मारेगी तू। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। देखती हूँ कैसे नहीं जाती तू, कल ही सारा इंतजाम करती हूँ, जीना हराम करके रख दिया है। पुलिस स्टेशन। तेरी वजह से मेरी माँ का क्या हाल हुआ है पता है तुझे? तुम्हारी जैसी बेटी होगी तो कुछ भी हाल हो सकता है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़ नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो मेरी, चल मेरे साथ। मामा को मार के भाग रही थी, मैंने आपको कॉल किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, ये पता नहीं मुझे पता भी नहीं था। कर रही है किती, क्या हुआ किती, क्या हुआ? ये लड़की मुझे यहाँ पर घसीट कर लेके आई जब तुम दोनों बाहर गए थे, और ये अभी बोल रही है कि मैंने इसकी मामा को मारा है। क्या? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखिए सही गलत का फैसला अब जांच के बाद पता चलेगा, ले चलिए इन्हें। किती कौन दारी, जल्दी करो, क्विक क्विक।
अभी ये जिंदा है। तकरीबन सभी देशों में किसी भी जुर्म के लिए एक नाबालिग को उसकी अपरिपक्व उम्र की वजह से सजा कम दी जाती है, लेकिन अगर कोई नाबालिग बड़ा अपराध करे, वो भी पूरी साजिश के साथ, और किसी मासूम को फंसा दे, तो ऐसे में ये सोचना बेहद लाजमी हो जाता है कि क्या सिर्फ उम्र की वजह से उसे छोड़ देना गलत नहीं होगा। और शायद इसीलिए हाल फिलहाल में हमारे देश के कानून में इस विषय को लेकर बदलाव भी किया गया है। कोई मासूम सा दिखने वाला शख्स आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ये बात हमें पहले से मालूम हो तो हम उसे अपने करीब आने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी को पहले से यह पता हो और फिर भी किसी भी वजह से वो उस मासूम की असलियत औरों से छिपाए, तो ये एक बेहद खतरनाक भूल है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। आप देखिए, जख्म काफी गहरा है, होश आने में वक्त लगेगा। सर, मेरी मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। उन्हें जैसे ही होश आए हमें उनके बयान लेने हैं, और मेरे अलावा पहले उनसे कोई नहीं मिलने पाए। ओके, श्योर। या सुनील सर, यहाँ बैठो और ध्यान रखो, कोई मिलने नहीं पाए। जी सर। डॉक्टर साहब, जैसे ही आपको बताया कि पेशेंट को होश आ गया है, हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। जरूर आपको गलत फहमी हुई है सर। बैठिए बैठिए। देखिए, फिलहाल उनकी बेटी की गवाही पे मैंने आपके वाइफ को अरेस्ट किया है। सर, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बीवी किसी की जान नहीं ले सकती। सर, वो लड़की झूठ बोल रही है। सर, झूठ बोल रही है। पर आपके पड़ोसी कह रहे थे कि आप खुद अपने वाइफ के साथ उनके घर झगड़ा करने गए थे। नहीं सर, हम उसके घर झगड़ा करने नहीं गए थे, हम तो सिर्फ उसकी कंप्लेंट करने गए थे उसकी माँ से। फिर वहां से हम चले गए, मैं और मेरा बेटा कुछ सामान लेने गए, घर वापस आया तो देखा ये। आप उस वक्त वहां नहीं थे, तो आप ही कैसे कह सकते हैं कि आपकी वाइफ दोबारा उसे मारने नहीं गई थी? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे प्लीज एक बार मामा से मिलने दो। हमें ऑर्डर नहीं है, बस एक बार मिलना है। नहीं बोला ना। ये लोग मुझे मामा से नहीं मिलने दे रहे, आप प्लीज कुछ बोलो ना इन्हें। मामा से मिल सकती हूँ ना? आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें होश में आने दीजिए, आप तब तक घर जाके फ्रेश होकर आइए। हाँ हाँ सोनी, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। चलोगी? चलो कम। तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे सुबह फोन करना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप ही यहीं रुक जाइए। आई नो, आप मुझे अंदर तक क्यों छोड़ने आए? तुम ऐसा क्या बोल रही हो? आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। आई नो यू लाइक मी। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? आप अपनी वाइफ की बातें सच नहीं मानते, मेरी मानते हैं। तो तभी तुमने सब कुछ किया और कीर्ति को फंसा दिया? आप तो बड़े ही स्मार्ट है। आपको पता है मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही थी? इनफ, बहुत हो गया सब कुछ है। मेरी मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। मुझे अब तक शक था
लेकिन अब यकीन हो गया है तुम एक मासूम बच्ची नहीं हो, तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल। अब देखो मैं क्या करता हूं। चल, साहब ने तुझे बुलाया। हमने आपकी बेटी के बयान के आधार पर आपकी बिल्डिंग में रहने वाली कीर्ति को गिरफ्तार किया है और हमें आपका बयान चाहिए। क्या इन्होंने आप पर हमला किया है? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आपकी बेटी ऐसा क्यों बोल रही थी? सर, वो बच्ची है, इनसे नाराज थी इसलिए इनका नाम ले लिया। फिर आप पर अटैक किसने किया? मैं खुद गिर गई थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक, थैंक यू। आइए। तुमने सही कहा था, मेरी बेटी तुम्हारे पति को पसंद करती है, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो, वो बच्ची है। ओ प्लीज, तुम्हारी बेटी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया और तुम अभी भी उसको बच्ची बुला रही हो। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज पुलिस को कुछ मत बोलना, नहीं तो वो सब तुम्हारा जेल भेज देंगे। क्या कहा तुमने? वो पहले भी जेल जा चुकी है? बोलो। हाँ, वो एक अधेड़ उम्र के आदमी से प्यार करती थी और जब उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया, मेरी बेटी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। मुझे डर है कहीं वो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर भी हमला ना करे। मुझे नर्स ने बताया है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ वो घर गई। प्लीज अपने हस्बैंड को कॉल करो, उसको बोलो कि मेरी बेटी से दूर रहे। प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। बराबर पूछताछ कर लिया, क्योंकि कल ही कोर्ट में पेश होगा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आपका फोन दे दीजिए, मुझे अपने पति से बात करनी है। हाँ, हेलो। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी से प्यार करती थी और जब उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया, तो मेरी बेटी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे पति की जान खतरे में, मैं आपको सब समझा दूंगी, प्लीज चलिए। तुम एक मासूम बच्ची नहीं हो, तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल। ले लो तुम्हारा फोटोग्राफ और निकलो यहां से, और आइंदा कभी इधर नजर मत आना। निकलो मेरे घर से। तुम घर पर रहो तब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती। अब देखो मैं क्या करता हूं। मम्मा, Thank you.
हम अक्सर ये भूल कर बैठते हैं कि सामने वाले के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो हमारे बारे में सोच रहा होगा, और इस गलत फहमी में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये सोच हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। प्यार करना गलत नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर, किसी की जिंदगी छीन कर अपनी चाहत को पाने की कोशिश करना प्यार नहीं है, पागलपन है। क्या कोई सोच भी सकता था कि एक 17 साल की इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी क्रिमिनल हो सकती थी? आप क्या, अगर मैं भी ये सब अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो कभी यकीन नहीं करता। किसी भी गलत व्यक्ति को पहचानने और उससे दूर जाने की कोशिश में हम जितना ज्यादा समय लगाते हैं, अनिष्ट की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं इंसान को वक्त रहते संभल जाना चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया। तो सावधान।